और जिसका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो चुका है उस कैंडिडेट के लिए हम बताते हैं कि उस कैंडिडेट क्या करेंगे। अभी अक्टूबर में जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसका अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा जो नेक्स्ट चैनल है उसमें मैथ का मतलब जितना भी टॉपिक आता है उसका एक टॉपिक वाइज वीडियो चल रहा है। 3 या 4 वीडियो, 3 वीडियो अपलोड हो चुका है फाइनली। तो आप लोग नेक्स्ट जो चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसको जाके आप लोग चेक कर सकते हैं एंड उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी टाइम है। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आई होप आप लोग को पता तो चल चुका होगा, जो DFCCIL का एग्जाम होने वाला है उसका डेट आ चुका है 27, 28, 29 एंड 30। तो लास्ट 20 डेज में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सबसे जरूरी है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 20 डेज ही है अगर, लेकिन 20 डेज नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन 20 डेज एक्सपेक्टेड आप लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक भी मेरा चैनल में जो इलेक्ट्रिकल का स्पेशली ये जो वीडियो हम कर रहे हैं, ये स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का एग्जाम कैंडिडेट है उसके लिए बना रहे हैं। क्योंकि देखिए जितना भी पार्ट हम इलेक्ट्रिकल का लिख के रखे हैं, अगर आप लोग दूसरा कोई कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप लोग देख सकते हैं इस जगह, इस जो सब्जेक्ट का जगह में अपना जो सब्जेक्ट बना के आप अपना जो सब्जेक्ट बैठा के आप लोग सेम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्पेशली इसमें चैनल में इलेक्ट्रिकल का क्लास होता है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल का जितना भी सब्जेक्ट है उसको हम लेके आए हैं एंड उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम रहेगा आप किसी भी ट्रेड से हो। ठीक है, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर, दिस इज प्रोनॉय। So let's start the video. तो अभी तक अगर आप लोग जो मेरा चैनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एमसीक्यू चल रहा है अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो जाके आप लोग सर्च कीजिए, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में EEMCQ, ये जो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कीजिए, क्लास मिल जाएगा। एंड DFCCIL या तो कोई भी इंडिया में जितना भी एग्जाम होता है JEE का, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं एंड देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आज का वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं जो 20 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में इसमें बताएंगे, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो कैंडिडेट है उसके लिए। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल से है तो अच्छा होगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरा कैंडिडेट भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसे भी आप लोगों को शायद पता है, टोटल होता है 120 नंबर का एग्जाम, टाइम रहता है 2 आवर। ठीक है, टाइम रहता है 2 आवर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस जो एग्जाम होता है 2018 का, जितना भी एग्जाम DFCCIL का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए टोटल 96 टेक्निकल आया था एंड 24 नॉन टेक्निकल आया था, इसीलिए हम उस जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिवाइड करके रखे। ठीक है, जो DFCCIL के लिए तो टाइम आप लोगों को मिल चुका था, 3 से 4 महीना तो एक्सटेंड हो चुका था, तो आप लोग आई होप सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो सिलेबस जिसका भी कंप्लीट हो चुका है उस कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हम बताते हैं। उससे पहले हम एक चीज बता देते हैं, देखिए पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे डिवाइड किया हुआ था, टोटल 96 में इलेक्ट्रिकल सर्किट में 24, मशीन में 24, इलेक्ट्रॉनिक्स में 18, मेजरमेंट 12 एंड कंट्रोल सिस्टम में 6, मटेरियल साइंस में 6 एंड रेस्ट में 6, ऐसे करके डिवाइड करके टोटल 96 क्वेश्चन आया था। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में देखिए आपका जितना भी पावर सिस्टम का भी क्वेश्चन आ सकता है, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना भी है वो भी क्वेश्चन आ सकता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो सब में से भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, वो रेस्ट में से आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जाके मेरा जो और एक प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट का नाम लिख दे रहे हैं DFCCIL PYQ, ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो 8 वीडियो मिलेगा, 8 वीडियो विद सॉल्यूशन के साथ, 8 वीडियो जो 2018 में एग्जाम हुआ था पार्ट बाय पार्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का अलग पार्ट, मशीन का अलग पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बाय पार्ट वीडियो विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जरूर आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए, PYQ किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग देख के जाइए। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक जो आता है जिसका भी अभी तक कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, उसको क्या करना है, फिलहाल जो 19 या 20 डेज जितना भी बचा है आप लोगों को पहला करना है क्या, मॉक देना है। मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने किसी भी एग्जाम के लिए आप मॉक देना जरूरत है, क्योंकि आप कितना पानी में है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉक देना जरूरी है। मॉक देने से क्या होता है, मॉक देने से देखिए आपका स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये जो 3 चीज है आपको पता चलेगा कि कितना मेरा स्पीड है, एक क्वेश्चन का ऊपर कितना टाइम लग रहा है एंड मेरा एक्यूरेसी कितना है। ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन मिला आंसर पता नहीं है लेकिन लगा के हम चल गए, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो
वो एक्यूरेसी नहीं बता रहा, आपका एक्यूरेसी कितना आप सही कर रहे हैं एंड आपका टाइम कितना लग रहा है। 120 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट है, तो एक 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 क्वेश्चन के बीच आपका कितना टाइम लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपका अभी भी लैग कर रहा है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जिसका भी कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, तो आप लोग अभी क्या कीजिए, ये जो लास्ट जो डेज है उसमें आप लोग मॉक दीजिए। मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक देने के बाद क्या करना है आप लोगों को, जो मॉक है वो तो एनालिसिस करना है अच्छे से। मॉक को एनालिसिस कीजिए, जो आपका नेगेटिव पार्ट है मतलब जिसमें आपका ज्यादा रॉन्ग हो रहा है वो पार्ट थोड़ा आप देखिए, थोड़ा उसके पीछे टाइम दीजिए, आधा एक घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगता है उसके ऊपर टाइम दीजिए। जो आपका नेगेटिव पार्ट आ रहा है मतलब जिसमें आपका नेगेटिविटी नेगेटिव हो रहा है उस पार्ट को, अगर आपका पास शॉर्ट नोट्स है, हम हर एक वीडियो में बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है, तो शॉर्ट नोट से वो जो पार्ट आपका जो नेगेटिव में जा रहा है उसको आप शॉर्ट नोट से रिविजन कर लीजिए। तब आपका क्या होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो आपका अभी भी वीक है वो वीक आपका रिविजन करके आपको जितना भी हो 20 डेज में आपका रिविजन हो जाएगा। तो उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नेगेटिव होने का चांस बहुत कम है, तो इसीलिए एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप मॉक देते तो मॉक के बाद आप लोग एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपका मतलब हर एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन कितना है वो तो आप लोगों को अच्छा ही पता है। हम खाली स्ट्रेटेजी बता देंगे कि जितना जिसका भी प्रिपरेशन हो चुका है मॉक दीजिए, जैसे हम बोले वो आप लोग फॉलो कीजिए, उसी से आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अभी अभी जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसी के बेस में आप लोग जाके एग्जाम दीजिएगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ करना चाहेंगे तो अभी जितना भी हो चुका है उसके बारे में भी, वो जो जितना भी हो चुका है उसमें भी प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा। तो आप लोग खाली अभी मॉक दीजिए, टेक्निकल के लिए बता रहे मॉक दीजिए आप लोग, और उसके बाद भी जो जो पार्ट में आपका लग रहा है कि इस पार्ट में हम लैग कर रहे हैं तो आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो इंपॉर्टेंट है, उससे आप रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो उसका बाद क्या आता है, उसका बाद देखिए आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट से 24, मशीन से 24, इलेक्ट्रॉनिक से 80, 12, ये सब आपका मैक्सिमम मेजर पार्ट है, ये तो सब कर लेगा। लेकिन जो लैग करेगा स्टूडेंट किस किस पार्ट में, जो कंट्रोल सिस्टम एंड मटेरियल साइंस, तो ये जो 12 नंबर आपका पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर आप लोग इस दोनों को छोड़ के आप समझेंगे कि ये दोनों को छोड़ के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका मार्क्स मार्क्स मतलब आपका जो रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट आपका वैरी करेगा इस दोनों सेक्शन से, क्योंकि इस दोनों सेक्शन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट छोड़ देता है। सर्किट सब करेगा, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो दो पार्ट है ये भी नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट में पावर सिस्टम आता है तो पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट करता है, लेकिन मेटेरियल साइंस एंड कंट्रोल सिस्टम ये दोनों आप लोग नहीं करेंगे। तो ये दोनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये दोनों पार्ट में से क्या करना जरूरी है, देखिए मेटेरियल सिस्टम में एक चीज हम बता रहे, जो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरो जितना भी पार्ट है वो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, उसका थ्योरी क्या होता है नहीं होता है। और एक चीज बता दे रहे, देखिए मेटल सिस्टम में जो क्यूबिक स्ट्रक्चर आता है, FCC आता है, सिंपल क्यूबिक आता है, फिर आता है आपका BCC, ऐसे करके जितना भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एक वीडियो का लिंक दे देंगे हम नीचे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख के जाएगा। एक चार्ट हम कराए थे एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी BCC का कितना होता है, या तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर SC का क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी SC का क्या होता है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आया था पिछला बार, आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो उठा के भी और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें उठा के, तो आप लोग जरूर ये पार्ट यहाँ पर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में जो राउथ हज क्राइटेरिया है, राउथ हज क्राइटेरिया आप लोग जरूर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा जो रूल कैसा है, क्योंकि राउथ हज क्राइटेरिया से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मैसन गेन जो फॉर्मूला होता है, मैसन गेन फॉर्मूला, इसमें कंट्रोल सिस्टम है जो सिग्नल फ्लो ग्राफ, ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ दे देता है, यहाँ से एक लूप देता है ऐसे करके, फिर यहाँ से एक लूप, ऐसे लूप, फिर यहाँ पर एक सेल्फ लूप दे सकते हैं, यहाँ पर भी एक सेल्फ लूप दे सकते हैं, ऐसे करके जो आपका न्यूमेरिकल देता है इसको क्या निकालने के लिए बोलता है, ट्रांसफर फंक्शन C/R निकालने के लिए बोलता है, ऐसे क्वेश्चन में आता है। आप लोग जरूर एक बार कंट्रोल सिस्टम भी, ये जो लैपलेस का, ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ का पार्ट है, ये आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम और मटेरियल सिस्टम अभी तक अगर नहीं देखे तो जरूर आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। और ये जो चार सब्जेक्ट है इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है, देखिए सर्किट में नॉर्मली AC DC दोनों ही देखना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग क्या देखेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क से भी क्वेश्चन आता है। मशीन में तो सब देखना ही है आपको, जितना भी मशीन में इलेक्ट्रिकल AC DC ट्रांसफॉर्मर जितने भी आता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सब देखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देख लीजिए, डिजिटल जरूर देखिएगा, डिजिटल का भी वीडियो मिल जाएगा मेरा चैनल में, डिजिटल देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट भी आप लोग देख के जाइए, एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर,
ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी आप लोग जरूर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मेजरमेंट। मेजरमेंट में पूरा जितना भी टॉपिक है आप लोग देख के जाइए, उससे क्वेश्चन आता है, मिक्स क्वेश्चन ही आता है मेजरमेंट से। और रेस जो पावर सिस्टम आप लोग रिविजन कर सकते हैं, एंड यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप लोग अगर चाहे तो रिविजन कर सकते हैं, या तो उतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, आपको अगर मेरिट लिस्ट में रैंक कर मेरिट लिस्ट में आना है तो ये दोनों पार्ट आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये तो सब कर लेगा, ये दोनों ही मैक्सिमम छोड़ के जाता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 2018 का जो फिगर है उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो 2021 में भी शायद ये आ सकता है, नहीं तो मिक्स्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये दो टॉपिक से आएगा ही, सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो हम क्या बोले, जिसका भी अभी तक प्रिपरेशन हो चुका है वो तो अभी खाली मॉक दीजिए, जिसका प्रिपरेशन हो चुका है जो सीरियस कैंडिडेट है, आई होप वो कैंडिडेट तो ये दोनों पार्ट भी कर लिए होंगे, तो उसके बारे में हम नहीं बोल रहे। जो कैंडिडेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये दोनों आप लोग टॉपिक कर लीजिएगा जितना आपको समझ में आता है, अगर नहीं आता तो तब तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी बात आपका जो अगर खुद का स्ट्रेटेजी है तो खुद का स्ट्रेटेजी से भी आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये था मेरा छोटा सा एक स्ट्रेटेजी, और जिसका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो चुका है उस कैंडिडेट के लिए हम बताते हैं कि उस कैंडिडेट क्या करेंगे। अभी वो कैंडिडेट फिलहाल अभी कुछ नहीं करिए, अभी जितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है उसी को बेस मान के आप लोग एग्जाम दीजिए, जितना आपका प्रिपरेशन हुआ है उसको 100% करिए, 100% एग्जाम में आप देखाइए, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, और जिसका हो चुका है वो आप खाली मॉक दीजिए। और ये था पॉजिटिव चीज, एंड नेगेटिव चीज जो है, फोन कम यूज कीजिए, सोशल मीडिया का जितना भी साइट है, व्हाट्सएप टेलीग्राम हो या आपका फेसबुक जितना भी है, यूट्यूब सब अभी छोड़ दीजिए। अगर यूट्यूब यूज करते हैं तो ओनली फॉर स्टडी के लिए यूज कीजिए, और जो आपका वैल्यूएबल टाइम है उस टाइम को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ये 20 डेज आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ये 20 डेज, ना कि एक साल जो आप करके आ रहे हैं वो आपका डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करता है ये जो 20 या 30 डेज में जितना आप करके जाएंगे वो आपका डिसाइड करता है, ठीक है। ये तो आपका टेक्निकल पार्ट। नेट अगर नॉन टेक अगर पढ़ना है तो कुछ नहीं, दो टॉपिक आता है इसमें, एक आता है जीके एंड एक आता है रीजनिंग। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेगा उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम रहता है तो 20 डेज में एक वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल में भी 7-8 वीडियो है, तो टॉपिक जितना जितना है, मिक्स्ड क्वेश्चन का वीडियो है देख सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स एंड जीके तो स्टैटिक पढ़ना है आपको, ठीक है, स्टैटिक पढ़ लीजिए जितना आपका होता है, नहीं तो जो सेट देंगे सेट का अंदर ही तो आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। और करंट अफेयर्स करने के लिए क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग करिए मार्च टू अगस्त तक आप लोग करंट अफेयर्स कर सकते हैं, अगस्त या सेप्टेम्बर भी देख के जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, सेप्टेम्बर 15-20 तारीख तक आप लोग देख के जा सकते हैं, लेकिन मार्च से अगस्त तक आप लोग कर लीजिए। जिसका क्या हुआ है वो आप अगर चाहे तो जनवरी फरवरी भी कर सकता है 2021 में, लेकिन मार्च से अगस्त तक आप लोग करंट अफेयर्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा स्ट्रेटेजी एंड छोटा सा वीडियो, एक इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। तो भी दूसरा ट्रेड का कैंडिडेट देख रहे अगर तो वो भी जरूर फॉलो कीजिए, ये सब्जेक्ट की जगह अपना जो सब्जेक्ट है वो आप लोग बैठा लीजिए, और जो हम स्ट्रेटेजी बोले जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मॉक दीजिए, एंड जिस पार्ट में आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो शॉर्ट नोट से रिविजन कर लीजिए, बस यही आपका लास्ट काम है, लास्ट 20 डेज में करना है, ज्यादा कुछ पढ़ना या करना नहीं है, लेकिन मॉक देना जरूरी है, मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और जो स्टडी का वीडियो तो ऑलरेडी आता है, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, एंड मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें लान विथ प्रोने वो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।